और ये सीन एकदम मस्त था क्योंकि स्क्रीन में प्रोजेक्टर में दिख रहा है जो चिल का फेस, और जो चिल तब अपनी कहानी बता रहा था कि उसके सामने वेंस थे और उसे तब तक पता था कि शहर में जो भी दंगे हो रहे हैं सब कुछ का कारण वेंस है, और मतलब ब्रूस वेन की फैमिली है, लेकिन उसे ब्रूस वेन के बारे में पता नहीं था कि वो कपल का थॉमस और मार्था वेन का एक बच्चा भी है, और उसके सामने उसके माता पिता को मारना ये ठीक एकदम ही नहीं होगा, ये उसे पता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उधर ब्रूस वेन है। तो तभी उसने ये गलती किया था। तो बैटमैन ये स्क्रीन के सामने से ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने के बाद ही जब वो जोकर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर दिखाता है कि उसके जैकेट के अंदर डायनामाइट्स है, और वो अपने हाथों में एक लाइटर लेके घूम रहा है, जिसके बाद उसके सामने जाना बिल्कुल ही खतरों से खाली नहीं था। तो तब बैटमैन बताता है कि तुम्हें क्या लगता है, जोकर को ऐसा कुछ सब कुछ पसंद है कि तुम जो चिल को भी जोकर बनाना चाहते हो? जोकर बोलता है क्यों नहीं, ये तो ऐसा ही होगा। लेकिन उसके बाद ही हम लोग देखते हैं इधर तो एकदम धूमधड़ा का मारपीट चालू था, सारे के सारे जोकर्स बैटगर्ल और रेड हुड के ऊपर हमला कर रहे हैं, और एक जोकर आ जाता है बैटगर्ल को मारने के लिए, लेकिन तभी कोई उसे गोली मार देता है, और वो ये था दूसरा जोकर द कॉमेडियन वाला, और वो आके हंस देता है और बोलता है हंसो, ऐसा बोल के वो बैटगर्ल के सामने कैमरा उठा लेता है। और इसके बाद देखते हैं कि जेसन टॉड मतलब रेड हुड के ऊपर भी एक के बाद एक हमला चलता जाता है, और वो लोग फाइट करते करते थक जाते हैं। पर तब जोकर इधर अपना किस्सा सुनाता है जो चिल के साथ कि बैटमैन तुम्हें लगता है कि मैं एक मेस हूँ, लेकिन आज तुम्हारे सामने मैं ये खुलासा कर दूंगा कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी लाइन इसी में है कि जोकर सबसे बड़ा दुश्मन बनना चाहता है बैटमैन का। तभी वो बताता है कि उसका प्लान है, जो चिल को ही वो जोकर बना देगा, जिसके वजह से बैटमैन जो चिल के पीछे ही मारने के लिए भागेगा। लेकिन तभी बैटमैन जब जो चिल को बचाने की कोशिश करता है तो उसको हैंग कर देता है जोकर, बिल्कुल एकदम वो जोकर वाले सीरम के बॉयल्ड लिक्विड के ऊपर, जिसके बाद ये वाला रस्सी अगर छोड़ दिया जो चिल सीधा चला जाएगा उस केमिकल में। और तभी इधर जो चिल का पूरा नरेशन चलता है उसके स्टोरी के, एक्चुअली जब उसने देखा कि ब्रूस वेन था उसके मम्मी डैडी के साथ, तो तब तक गोली चल गई थी और वो तब तक बहुत लेट हो गया था, जिसके वजह से जिसका दुख उसे अभी तक है और वो मनी मैन रिग्रेट करता है। इधर बेसमेंट से ऊपर आ चुका है रेड हुड, और जब वो बैट गर्ल के सामने आता है तभी कोई ना कोई और एक जोकर पीछे से गोली मार देता है, और बैट गर्ल इतना गुस्सा हो जाती है कि उस कॉमेडियन जोकर के गर्दन में से वो कैमरा लेके उसके फेस पे मार देती है। और इधर जोकर निकालता है एक थॉम्सन गन और मशीन गन से बैटमैन के ऊपर गोली चलाने लगता है, और तभी एक गोली जाके लगता है बैटमैन के स्ट्रिंग पर, और बैटमैन उधर टूट के नीचे गिरने लगता है, और तब जोकर का जो स्टेशन के ऊपर खड़ा था जोकर वो भी डिसबैलेंस हो जाता है, और जोकर ज़मीन पे गिर जाता है और उसके हाथ से लाइटर निकल जाता है, और वो लाइटर सीधा जा रहा था केमिकल के उस डब्बे पर, बैटमैन आ रहा था जोकर को मारने के लिए, लेकिन तभी बैटमैन एक लात मार के जोकर को ज़मीन पे गिरा दिया फिर से, और पर वो जो लाइटर जोकर के हाथ में से छुटा था वो लाइटर जाता है उस केमिकल के अंदर, और वो केमिकल बूम करके बस्ट हो जाता है, और जोकर और बैटमैन के सामने एकदम धुआंधार मारपीट चलने लगता है, और पीछे था आग सामने था फाइट। इधर कॉमेडियन वाला जोकर सब लोगों का फोटो खींचता है, और तभी एक फ़ोटो खींचने के बाद ही बैट गर्ल के सामने फ्लैश हो जाता है और वो कुछ देख नहीं पाती है, और तभी उधर से जोकर इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो कैमरा आग में फेंकते हुए निकल जाता है। और इधर क्रिमिनल जोकर और बैटमैन के बीच में फाइट चल रहा था, और तभी जोकर आके रस्सी काट देता है जो कि जो चिल जिस रस्सी से बंधा हुआ था उसका चेयर, और वो सीधा चले जाता है केमिकल के अंदर, लेकिन तभी तक थोड़ा सा तो टाइम था, तो जोकर अपने आप को बचा के उस ब्रिज से निकलने की कोशिश करता है, और तभी बैटमैन हुक ग्रैपल हुक मार के नीचे गिरने लगता है और जाके जो चिल को पकड़ लेता है, और जो चिल को पकड़ते ही वो स्विंग करते हुए उसी सेम स्विंग में जोकर की तरफ आता है, जब जोकर पीछे देखता है और तभी बैटमैन आके फिर से और एक लात मार के जोकर को गिरा देता है। इसी तरह वो जो चिल को तो बचा लेता है उस केमिकल में गिरने के से। और इधर
जोकर ज़मीन पर गिर जाता है, पर वो जोकर उठने तक उन दोनों के सामने थोड़ा सा तो टाइम था जोचिल और बैटमैन के साथ। तो तब जोचिल बैटमैन को देख के बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे ये तो पता नहीं है कि बैटमैन ही ब्रूस वेन है, बट बैटमैन एक ऐसा लेजेंड है जिसका जिक्र ब्लैकगेट प्रिजन में कई बार होता है। और तब जोचिल बताता है कि उसे पता है बैटमैन के बारे में, और उसने जो किया है वो भी गलत काम किया है। तो वो यही बोलना चाहता है कि उसे तो मौत ही देनी चाहिए, लेकिन बैटमैन तब बताता है कि नहीं, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तो जोचिल बताता है, देखो मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं सच में सॉरी हूँ। और तभी देखते हैं कि उसके ऊपर से दीवार आग की वजह से टूटने लगते हैं, और टूट के उसके ऊपर पड़ने ही वाला था, और तभी बैटमैन उसे बचा लेता है फिर से। और बैटमैन के ये कार्य को देख के जोचिल के आंखों में आंसू आ जाता है, और वो बोलता है थैंक यू। और बैटमैन थोड़ा चुप रहता है, फिर बोलता है यू आर वेलकम। ये बोलते ही बैटमैन के पीछे से हंसी की आवाज़ आती है, और वो क्रिमिनल जोकर फिर से उठ पड़ता है और हंसने लगता है। ये हंसना तो बहुत ही दर्दनाक है। तभी उसके सर पे कोई गोली मार देता है, बैम। और देखते हैं ये गोली आया है कॉमेडियन जोकर के बंदूक से, और कॉमेडियन जोकर तब बैटमैन को बताता है बैटमैन बैट से मुझे गिरफ्तार कर लो। और ये क्रेजी राइड ख़त्म हो जाता है, और वो हंसने लगता है। चारों तरफ आग है, जोचिल को बचा लिया है बैटमैन, और जोकर दो जोकर मर गए हैं, एक जोकर ही अभी बचा हुआ है। इसके बाद उधर जो भी है फायर एक्सटिंग्विशर वाले, फायर अलार्म वाले सब लोग आ गए थे, पुलिस आ गए थे, और तब उधर से जोकर को अरेस्ट कर लिया गया था। और रेड हुड और बैट गर्ल बाहर आ गए हैं। रेड हुड तब बताता है कि अभी क्या होगा, बैटमैन जोकर को जेल में भेज दिया, अभी वो बैट मोबाइल लेके घर चला जाएगा, बस इसका अंत। तो बैट गर्ल बताती है कि तुम्हें और क्या चाहिए। तो रेड हुड बताता है कि पर हमारे बारे में क्या होगा। तो ये देख के तो हम लोगों को पता ही चल जाता है कि एक्चुअली एपिसोड 2 में उन दोनों के बीच में जो किस हुआ था उसको लेके ही रेड हुड थोड़ा आशावादी था। लेकिन बैट गर्ल ने तब उसकी तरफ से सब कुछ नेगेटिव बोल दिया था। और तब ये सब कुछ देखता था जिम गॉर्डन, ये सब कुछ देख लिए थे। और जब रेड हुड उधर से निकल जाता है, बैटमैन भी उधर से निकल जाता है, तो तब जिम गॉर्डन आके बैट गर्ल को बताता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ जितना मैं बैटमैन के साथ हूँ, लेकिन रेड हुड का केस ऐसा है कि तुम्हें शायद उससे दूर ही रहना चाहिए। तब बैट गर्ल बताती है देखो रेड हुड के साथ जो भी है वो मेरा पर्सनल मैटर है डैड, ऐसा बोलते हुए वो उधर से निकल जाती है। इधर हम लोग देखते हैं जोकर को जब उधर से अरेस्ट करने के बाद लेके जा रहा था, और उसी वैन में बैटमैन भी था, क्योंकि वो अपना आँख हमेशा जोकर के ऊपर टिकाए रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इधर से प्रिजन तक पहुँचने तक कुछ भी हो सकता है, जोकर कभी भी भाग सकता है, उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए बैटमैन उसी वैन में जोकर के ऊपर नज़र रख रहा था। और तब जोकर उसका दिमाग खाए जा रहा था ये सब कुछ बोल के कि ये सारा कुछ ड्रामा उसी ने किया था, उसी ने बाकी दो जोकर्स को बनाया था, उसी ने उन लोगों को बोला था कि जोचिल को ही अगर जोकर बनाओ तो ही बैटमैन के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। बट उसका प्लान आखिर में दूसरा ही कुछ था। उसका प्लान था वो अपने आप को, मतलब वो जोकर के आइडेंटिटी को सबसे बड़ा मुजरिम बनाना चाहता है बैटमैन का, और बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन बनना चाहता है। तो इसीलिए वो यही इंसान रहे या ना रहे, लेकिन जोकर का जो आइडेंटिटी है, जोकर को जब जो भी रिप्रेजेंट करेगा वो बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन बनना चाहिए। अभी तक बैटमैन के दुश्मनों में से थोड़ा सा तो डिफरेंस था, क्योंकि जोचिल था उसके माता पिता के कातिल। तो इसीलिए बैटमैन के दिमाग में हमेशा था कि जोचिल से ही बदला लेना चाहिए था, लेकिन वो अपने मॉरल एथिक्स की वजह से वो नहीं ले पा रहा था। ये सब कुछ जोकर को पसंद नहीं था, क्योंकि जोकर चाहता था उसके बड़ा दुश्मन बनने के लिए, बट वो जोचिल अब तक था बैटमैन का बड़ा दुश्मन। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ है, जोचिल के आंखों में आंसू देख के बैटमैन को सिंपथी लगा है, तो इसीलिए उसने जोचिल को छोड़ दिया है, और उसका ये घाव अभी मिट चुका है। तो जोकर का प्लान सफल हो गया, और जोकर ही अभी उसका सबसे बड़ा जानी दुश्मन है, और वो बताता है कि वो तब तक ये एंजॉय करता रहेगा जब तक बैटमैन के
सीने में वो खंजर नहीं घुसा देता और वो दोनों लोग एक साथ मर नहीं जाते। बैटमैन ये देख के चुप रहता है क्योंकि जोकर सब कुछ बकबक करता ही रहता है। इसके बाद जब जो चिल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, उसका हालत एकदम ही ख़राब था, बहुत ही बुरी हालत में था। और बैटमैन मतलब ब्रूस वेन उससे मिलने आता है और ब्रूस वेन वही खत लाते हैं और जो चिल को देता है। तब जो चिल अपने कांपते हुए हाथों से हाथ उठा के बैटमैन को थैंक यू बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ बैटमैन पकड़ता है और वही जो चिल आखिरी सांसें गिन रहा था और जो चिल का मौत हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो चिल के कब्र पे भी ब्रूस वेन कई बार गया है और उसे कुछ याद आया है, इसलिए वो उधर गया था। ये सब कुछ हो जाने के बाद स्टोरी तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन स्टोरी का एक कंक्लूशन बाकी रह जाता है जो कि अलास्का में जाके ख़त्म होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था बैटमैन का तो मतलब कुछ काम ही है कहीं पे भी जाना, वो कहीं पे भी जा सकता है किधर भी। तो एनीवे उसको अलास्का जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं अलास्का के पहाड़ों के बीच में से, बर्फियों के बीच में से एक गाड़ी चला के आता है ब्रूस वेन, और वो इधर पे कहीं पे तो जाता है उसे पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में मतलब ब्रूस वेन और अल्फ्रेड के बीच में जो बातें हुआ था, उसी के बातों में कनेक्शन हम लोग जोड़ जाते हैं कि बैटमैन मतलब ब्रूस वेन अलास्का में क्या कर रहा है। क्योंकि अल्फ्रेड जब बताता है कि जोकर का असली परिचय क्या है, जोकर का ट्रू आइडेंटिटी क्या है, तब बैटमैन बताता है कि हाँ उसे जोकर के ट्रू आइडेंटिटी के बारे में उसी दिन उसी एक हफ्ते बाद ही पता चल गया था जब वो जोकर से मिला था पहली बार। और इधर हम लोग देखते हैं बार्बरा गॉर्डन एक के बाद एक मतलब एक्सरसाइज करती रहती है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अपने मन ही मन ले नहीं पा रही थी, वो बहुत डिस्टर्ब थी, तो इसलिए वो दौड़ते ही जा रही थी। और इधर जेसन टॉड आता है बार्बरा गॉर्डन के अपार्टमेंट के दरवाजे पे, एक चिट्ठी चिपका के चला जाता है और उसमें लिखा हुआ था देखो हमारे बीच में जो भी हुआ वो मैं सारा का सारा मिस्टेक समझ के भूल जाना चाहता हूँ और मैं एक नया मैन बन के तुम्हारे सामने आता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब वो अपने प्यार वाले लव लेटर और अपना फॉरगिवनेस मांग के अपोलोजाइज करके भी वो ख़त बार्बरा गॉर्डन के दरवाजे पे चिपका जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो ख़त उधर से छूट जाता है और कोई आता है एक क्लीनिंग वर्क गाय, वो आके उस ख़त को झाड़ू लगाते हुए उधर से निकल जाते हैं। और तब इधर जब ब्रूस वेन अल्फ्रेड को बताता है कि उसे पता है कि जोकर का असली नाम क्या है, तो तभी हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि वो अलास्का में क्यों गया है। और उसे दिख जाता है हम लोगों को वो बताता है कि कॉमेडियन ही असली जोकर है। और इसीलिए जोकर का थोड़ा सा बैक स्टोरी भी इधर सामने आ जाता है, जो है कि जोकर अपनी वाइफ के साथ तो था, लेकिन तब जोकर इतना ही डिस्टर्ब था और वो इतना ही साइको बन गया था कि कुछ भी उसकी वाइफ बोले तो उसका ही वो खिलाफ चला जाता था। जब उसे जॉब नहीं मिल रहा था वेन के ज़माने में बहुत कुछ पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, तो तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसकी वाइफ जो उसे पूछी थी कि तो तुम्हें जॉब मिला है क्या, तो उसने बोला था कि नहीं मिला, तो उसका रिएक्शन में उसकी वाइफ ने कहा था सिर्फ ओ, और वो ओ को सुनते हुए जोकर बहुत गुस्सा हो गया था। तो इसीलिए ये सब जानने के बाद ही बैटमैन को ये रियलाइजेशन तब हुआ था कि जोकर की पत्नी को मतलब उसके वाइफ को उधर से निकल जाना ही सेफ था। तो इसीलिए दो पुलिस वाले उसके वाइफ को हेल्प किए थे कि उसके वाइफ के बारे में उन लोगों ने जोकर को बताया था कि एक एक्सीडेंट हो गया जिस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है, ये बोलते हुए जोकर को लगा था उसकी वाइफ की मौत हो गई है, लेकिन उसके वाइफ को अलास्का में भेजा गया था दो पुलिस ऑफिसर ने उसको हेल्प करके उसकी वाइफ को अलास्का में भेज दिए गए थे। तो अभी उसकी वाइफ की तो एज हो गई है और उसका बेटा भी बड़ा हो गया है और बैटमैन को पता है ये सब कुछ, और वो भी जोकर की फैमिली को एक्चुअली में फंडिंग करता है क्योंकि इन दोनों को भी हक है जीने का। और अगर पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि जोकर का ट्रू आइडेंटिटी क्या है,
तो सब लोग आके ये फैमिली को परेशान करेंगे। और अभी इनको भी अगर वो लोग परेशान करते रहे तो जोकर का बेटा भी शायद कभी ना कभी जोकर जैसा ही बन जाएगा, क्योंकि वो ये सब डिजर्व नहीं करता। तो इसीलिए बैटमैन ने कभी भी जोकर के ट्रू आइडेंटिटी को किसी के सामने नहीं आने दिया, और वो आके सिर्फ अलास्का देखता है, अलास्का के कि उसकी फैमिली सेफ है कि नहीं है। तो इसीलिए आखिर में वो बताता है जोकर का असली नाम क्या है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं था। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये स्टोरी लाइन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों को ये स्टोरी लाइन में एक्चुअली प्रॉपर एम किया था ये कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, टारगेट करते हैं 15 लाइक्स की। हाँ, मेरा छोटा चैनल है, 15 लाइक्स ही आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए टारगेट करते हैं 15 लाइक्स की। अगर आप लोगों ने 15 लाइक्स दे दिया तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, और एक बहुत ही जल्दी। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हैप्पी दिवाली।